आप सभी राजकुमार सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। इस वीडियो में मैं बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करूंगा। यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने इस बार बीए सेकंड ईयर राजनीति विज्ञान का पेपर दिया है या जो अगले वर्ष पेपर देने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन का निचला सदन है? इसका सही उत्तर है हाउस ऑफ कॉमंस। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव खाली जगह द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है बहुमत पार्टी के द्वारा। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ कॉमंस का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही उत्तर है हाउस ऑफ कॉमंस के द्वारा। प्रश्न 5, ब्रिटेन में क्राउन एक संस्था है जिसमें निम्न शामिल हैं? इसका सही उत्तर है राजा, मंत्रिमंडल और संसद। इन तीनों से मिलकर ब्रिटेन में क्राउन संस्था का निर्माण होता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संसदीय सरकार। अगला प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है 2009 में। निम्नलिखित में से कौन कानून के शासन का सुप्रसिद्ध व्याख्याकार है? इसका सही उत्तर है एवी डाइसी। प्रश्न 9, गलत कथन का चयन कीजिए। ब्रिटेन में एक धन विधेयक है, एक सार्वजनिक बिल, बी वे हमेशा निचले सदन में उत्पन्न होते हैं। धन विधेयक के मामलों में उच्च सदन की भूमिका औपचारिक होती है, धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन डी गलत है और यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 10, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का पुराना नाम था? इसका सही उत्तर है टोरीज। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। ग्लेडस्टोन ने विश्व के किस संविधान को सबसे अद्भुत कृति कहा है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान को ग्लेडस्टोन ने विश्व के संविधानों में सबसे अद्भुत कृति कहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मुख्यतः रूप से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है मॉन्टेस्क्यू से। एक अमेरिकी राज्य द्वारा सीनेट के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है 2 सदस्य चुने जाते हैं। किसने कहा कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में सबसे महान प्लेटोवादी है? इसका सही उत्तर है मैक्सी। किसने कहा प्लेटो के रूप में सुकरात ने फिर से जन्म लिया? इसका भी सही उत्तर मैक्सी है। अगला प्रश्न, मैकियावेली का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था। द प्रिंस का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मैकियावेली। किसने कहा वह अपने पिता की मृत्यु को तो शीघ्र भूल जाता है किंतु पितृधन की हानि को नहीं भूलता? यह कथन मैकियावेली का है। निम्न में से कौन राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है?
इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं। किसने कहा? हॉब्स का संप्रभु बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। इसका सही उत्तर शायद बार्कर हो सकता है। किसे 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लॉक, जॉन लॉक। निम्न पुस्तकों को उनके लेखन वर्क्स के आधार पर क्रमानुसार लगाइए। इसका सही उत्तर है सी। जो सबसे पहले पुस्तक लिखी गई थी वो थी द प्रिंस मैकियावेली की, और जो सबसे अंत में लिखी गई थी वह थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, रूसो। हॉब्स ने रिजुलेटिव कंपोजिट का सिद्धांत किससे ग्रहित किया है? इसका सही उत्तर है गैलीलियो। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किस में है? इसका सही उत्तर है प्लेटो का रिपब्लिक। अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन करके पॉलिटिक्स की रचना की? इसका सही उत्तर है 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना की थी। अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है अपने नागरिकों की रक्षा करना। किसने कहा? दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता है। यह कथन अरस्तु का है। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसने कहा? इसका सही उत्तर डेनिंग है। अरस्तु नागरिकता के निर्धारण में किसे महत्व प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को। राजनीति का व्याकरण ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है हेरोल्ड जे लास्की। किसने कहा था राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप है? इसका सही उत्तर प्लेटो है। बेंथम समर्थक थे? इसका सही उत्तर है कानूनी अधिकार के। सरकार के किस रूप में द्विसदनीयता एक आवश्यक विशेषता है? इसका सही उत्तर है संसदीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति प्रणाली की एक विशेषता है? इसका सही उत्तर है शक्तियों का पृथक्करण। स्विस नागरिकों को कितनी नागरिकता प्राप्त है? इसका सही उत्तर है दो। सामूहिक उत्तरदायित्व किस व्यवस्था में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है संसदीय शासन व्यवस्था में। किस सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है? इसका सही उत्तर है सीनेट। मैं ही राज्य हूं यह कथन किसका है? यह कथन लुई 14 का है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है बर्न। स्विट्जरलैंड में कितने कैंटन हैं? स्विट्जरलैंड में 26 कैंटन हैं। किस देश को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर जेनिंग्स है। प्लेटो का जन्म 427-28 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु किस उम्र में हुई थी? प्लेटो की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 5040। प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति राज्य व्यवस्था के शिखर पर पहुंचता है।
इसका सही उत्तर है 50 वर्ष की अवस्था में। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, दर्शन की आधारशिला है, इसका सही उत्तर है अरस्तु। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इसका सही उत्तर है अरस्तु के द्वारा। निम्नलिखित में से किसका विचार था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और यह अच्छे जीवन के लिए बना रहता है, इसका भी सही उत्तर अरस्तु है। क्रांति का कारण हमेशा असमानता में पाया जाता है, किसने कहा है, इसका सही उत्तर है अरस्तु। आनुपातिक समानता के सिद्धांत को किसके द्वारा बताया गया था, इसका सही उत्तर है अरस्तु के द्वारा बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, देखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ना कि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। अरस्तु, अरस्तु के द्वारा द स्टेट्समैन पुस्तक नहीं लिखी गई थी, द स्टेट्समैन का लेखक प्लेटो है। तो इसका जो कार्ल पॉपर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था मुक्त समाज और उसके दुश्मन, इसलिए इसके जो गलत ऑप्शन है वो है ए और बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। युद्ध की कला किसके द्वारा लिखी गई है, इसका सही उत्तर है मैकियावेली के द्वारा युद्ध की कला लिखी गई है। अगला प्रश्न, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत होती है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मैकियावेली से होती है। नीति शास्त्र और राजनीति का पृथक्करण किसके दर्शन में सिद्धांत धारणा थी, इसका सही उत्तर है मैकियावेली के सिद्धांत में थी। जबरन स्वतंत्रता की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, इसका सही उत्तर है टी एच ग्रीन के द्वारा। दार्शनिक आदर्शवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, इसका सही उत्तर है प्लेटो। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना प्लेटो ने की थी, अकादमी की स्थापना प्लेटो ने की थी और लाइसियम, लाइसियम की स्थापना अरस्तु ने की थी, इसका सही उत्तर है अकादमी। किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, इसका सही उत्तर है अरस्तु। वैज्ञानिक समाजवाद का मुख्य प्रतिपादक है, इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। हॉब्स ने लिखा जहाँ कोई सामान्य शक्ति नहीं है वहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ न कानून है न अन्याय, हॉब्स जिक्र कर रहे थे। हॉब्स किसका जिक्र कर रहे थे, हॉब्स प्रकृति की स्थिति का जिक्र कर रहे थे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक सिद्धांत ने प्रतिपादित किया कि राज्य अंततः लुप्त हो जाएगा, इसका सही उत्तर है साम्यवाद ने। हॉब्स का सामाजिक अनुबंध किस पर आधारित है, इसका सही उत्तर है स्वार्थ। अगला प्रश्न है साम्यवादी दर्शन के एक भाग के रूप में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके किसका योगदान था, इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है बेंथम का दावा है कि प्रकृति ने मानव जाति को दो संप्रभु स्वामी के अधीन रखा है, वे क्या हैं, दुख और सुख, इसका सही उत्तर है दुख और सुख संप्रभु स्वामी हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल अपने दार्शनिक पिता से निर्विवाद रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने अपने युवा बेटे को एक शैक्षणिक प्रयोग के रूप में माना, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के बौद्धिक विषयों का व्यापक और गहरा ज्ञान प्रदान किया गया। मिल के पिता का क्या नाम था, इसका सही उत्तर है जेम्स मिल।
स्वतंत्रता कुछ करने या आनंद लेने योग्य कुछ करने या आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है। स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है जे एस मिल के द्वारा। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? आदिम साम्यवादी चरण, सामंती चरण, प्राचीन चरण, पूंजीवादी चरण। देखिए जो सबसे पहले आया वो था प्राचीन चरण, उसके बाद आदिम साम्यवादी चरण, उसके बाद सामंती चरण और सबसे अंत में आया था पूंजीवादी चरण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। यह विचार किसने व्यक्त किया कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? इसका सही उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने कहा था समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। न्याय से प्लेटो का मतलब था? इसका सही उत्तर है समाज में आत्मा और संबंधित वर्गों के प्रत्येक भाग के सामंजस्यपूर्ण कामकाज। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने राज्य पर टी एच ग्रीन के विचारों की व्याख्या की? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। इसका सही उत्तर शायद एच जे लास्की हो सकता है। इसका जो कन्फर्म उत्तर है उसकी हमें नहीं मिला है, यदि आपको पता तो कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? जो सही नहीं है वह अरस्तु, संपत्ति व पत्नियों का साम्यवाद। जो संपत्ति व पत्नियों का साम्यवाद था यह प्लेटो के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका जो गलत ऑप्शन है यही है और यही इसका सही हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका आधिकारिक निवास क्या है? व्हाइट हाउस। वे कहाँ पर रहते हैं? व्हाइट हाउस में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? कांग्रेस को बुलाने, सत्रावसान करने और भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न आयु सीमा है? यह 25 वर्ष निर्धारित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उन दल के नाम हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। फ्रांस के 5वें गणराज्य के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है मिशेल डेब्रे। 5वें गणतंत्र के अतिरिक्त 5वें गणतंत्र के अंतर्गत फ्रांसीसी संसद के दो सदन हैं, उनके क्या नाम थे? उनके नाम थे नेशनल असेंबली और सीनेट। 5वें गणतंत्र के संविधान के तहत फ्रांस के पहले राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है जनरल डी गॉल। कठोर संविधान, कठोर संविधान कैसा होना चाहिए? इसका सही उत्तर है लिखित होना चाहिए। लोकप्रिय मत द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है? इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसके साथ सार्थक है? इसका सही उत्तर है नियंत्रण और संतुलन। किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान विवेक तथा संयोग की संतान है? इसका सही उत्तर है स्ट्रेची। किसने कहा कि इंग्लैंड में जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता? यह मुनरो का कथन है। निम्नलिखित में से किस देश की संसद के बारे में जीन लुई डी लोलमे ने कहा कि यह महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है? इसका सही उत्तर है यह ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल है? इसका सही उत्तर है 4 वर्ष।
भारत, ब्रिटेन और अमेरिकी शासन व्यवस्था में समानता है, क्योंकि तीनों लोकतांत्रिक देश हैं। यह कथन सही है। तीनों गणतांत्रिक देश हैं, यह गलत है, क्योंकि ब्रिटेन गणतांत्रिक देश नहीं है। तीनों संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित हैं, यह भी गलत है। अमेरिका में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तीनों देशों में केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय है, यह कथन सही है। जिसका सही कूट होगा वह पहला और चौथा है, तो जो अवश्य सही उत्तर है वह है सी। फ्रांस में कोहैबिटेशन की स्थिति कहलाती है जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग दलों के होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड में हर एक दो वर्ष के बाद राष्ट्रपति बदलता रहता है, यह कथन गलत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में हर एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति बदलता है, ना कि दो वर्ष के बाद। कथन दो, स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, यह कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल दो। छाया मंत्रिमंडल का संबंध किस देश से है, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन से। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष दिया गया, इसका सही उत्तर है 1971 में। फिलीबस्टर किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर है एक वोट में देरी के लिए संसद में जो लंबा भाषण दिया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। किस राजा ने अंग्रेजी संविधान के आधार मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे, इसका सही उत्तर है किंग जॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ब्रिटिश संविधान राजतंत्रीय है, ये गलत है। सम्राट की मृत्यु होने पर हमेशा संसद द्वारा सम्राट का चुनाव किया जाता है, यह भी गलत है। सम्राट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में न्यायाधीश के रूप में बैठ सकता है, यह सही है। ब्रिटेन में कार्यपालिका के कितने प्रधान होते हैं, इसका सही उत्तर है दो। प्रश्न 100, यह इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रिटिश संविधान की विशेषता नहीं है, इसका सही ऑप्शन पहला है लिखित संविधान, क्योंकि जो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित संविधान है।